हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम निकल चुके हैं चंद्रपुर के लिए और चंद्रपुर में है माँ चंद्रहासिनी देवी जी का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। और यहाँ से महानदी जो है वो काफ़ी पास पड़ती है। देख सकते हैं, माँ चंद्रहासिनी की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी हम इधर जा रहे हैं और बारिश का जो है मौसम स्टार्ट हो गया है। ये मंदिर की तरफ जाने वाला जो मार्ग है उस तरफ अभी हम जा रहे हैं और यहाँ पर बारिश होने की वजह से यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ख़राब हो गई है। तो मैं आपको अभी पूरी स्थिति दिखाऊंगी। अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, कुछ अभी बंद हैं, कुछ खुली हैं। बारिश के कारण काफ़ी सारी दुकानें जो हैं आपको बंद बंद लग रही होगी। ये है यहाँ का रौद्र रूप जो आप देख रहे हैं। ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि चंद्रपुर में इतना ज़्यादा पानी अभी भर गया है बारिश की वजह से कि यहाँ पर पूरा बाढ़ जैसा माहौल हो गया है। जो छोटे छोटे घर बने हैं ग्रामीणों के, वो पूरे डूब चुके हैं और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा है पूरे ग्रामीण वालों को। देख सकते हैं कैसे लोग पानी में आधे ज़्यादा डूब गए हैं और चल रहे हैं। यहाँ पर आपको पास पास छोटी छोटी जगह पर, जो कि काफ़ी पास में है, आपको उसके वहाँ तक जाने के लिए भी आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो जितने ग्रामीण लोग हैं वो अपनी बाइक वाइक को नाव पर रख कर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बाढ़ की पूरी स्थिति बन चुकी है। बहुत ज़्यादा जनधन को हानि हुई है। आप देख सकते हो सारे ग्रामीण वाले जो हैं वो यहाँ पर नाव में सफ़र कर रहे हैं। और ये है पुल जहाँ से मैं आपको चंदनपुर का पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से यहाँ पर अभी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है। ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ये पुल के ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक नज़ारा है, लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हो रही है गाइस। और काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से देख सकते हैं मंदिर तक जो है उसके गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। और अभी हम आगे चलते हैं। ये पूरा जो नज़ारा है, ये पूरा पुल से नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी हल्की हल्की बारिश हुई है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। ये पानी जो है, ये महानदी का जो पानी है, लगातार बारिश होने की वजह से महानदी का पानी जो है पूरा बढ़ गया है और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ तक बढ़ के आ चुका है। देख सकते हैं काफ़ी लोग पुल के ऊपर यहाँ से बैठ के नज़ारा देख रहे हैं। और यहाँ पूरी रोड है, ये है नाथला दाई का मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है यहाँ की। यहाँ पर भी गर्भगृह तक पानी भर गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग इस मौसम का नज़ारा देख रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ देख सकते हैं, पास पास की जगह पे जाने के लिए भी आपको नाव का उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि पास पास जगह, यहाँ तक कि आपको चंद्रपुर से अगर सारंगगढ़ भी जाना है तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। या फिर आपको, देख सकते हैं यहाँ पे वाहन स्टैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग, साइकिल की पार्किंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर जाने का मार्ग। तो अगर आपको मंदिर भी जाना है, मंदिर के भी दर्शन करना है, तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। बिना नाव के आप यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। ये मंदिर है तो आप देख सकते हैं, जय माता दी, देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह तक पूरा पानी पानी भर गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे गाँव को खाली कराया गया है और उनको सुरक्षा शिविर की ओर पहुँचाया गया है। पूरा पार्किंग जोन है, यहाँ पर पूरी गाड़ी वाड़ी रखने की जगह है। और यहाँ पर है मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा भव्य और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अभी यहाँ पर भी पानी बढ़ गया था। देख सकते हैं इस मंदिर के द्वार को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ तक पूरा पानी पहुँच गया है। और ये जो ग्रिल लगा है जहाँ पर लोग सेल्फी खिंचाते, वहाँ तक पूरा पानी पहुँच गया है। देख सकते हैं मंदिर जो है वो आधा से ज़्यादा डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू लोग नाव का सहारा लेके इधर से उधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आप पानी का फ्लो भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो से पानी है। और ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पार्किंग थी, मंदिर की पार्किंग वहाँ पर थी, लेकिन वो भी अभी पूरा पानी से लबालब भर चुका है। और यहाँ पर आपको पानी का फ्लो दिखाई देगा, कितना ज़्यादा फ्लो में पानी बह रहा है। पेड़ वेड़ जो भी दिखाई दे रहे, सब कुछ पानी से भर चुका है और पुल भी काफी ज्यादा भर चुका है। ये है नाथुला मंदिर जाने के लिए, यहाँ पर जो पार्किंग की जाती थी वहाँ पे पार्किंग के पूरे स्पेस अभी भर चुका है। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से काफी ज्यादा भयंकर और रौद्र रूप आपको देखने का मिल सकता है महानदी का। ये मैं आपको यहाँ से पूल का पूरा व्यू दिखा रही हूँ, और पूरा व्यू देख के आपको समझ में आ सकता है कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर इंजॉय कर पानी का इंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं जो यहाँ रहते हैं वो लोग इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ये भाई साहब जी, लगता है पानी में कूदने वाले हैं और ये कूद गए। ओहो, मतलब बाढ़ की स्थिति में भी लोग अपने एंजॉयमेंट को बिल्कुल भी अलग नहीं करते हैं और इसमें भी एंजॉय करने का पूरा मौका छोड़ते नहीं हैं। तो अभी भी हल्की हल्की जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है, और ये मैं आपको यहाँ से पूरा इसका व्यू दिखाती हूँ। हल्की हल्की जो बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा लग रहा है, बहुत सारे नाव भी है जो बीच में है, सारे ग्रामीणवासी यहाँ से वहाँ अपना सामान लेकर इधर से उधर सुरक्षा शिविर की ओर बढ़ रहे हैं, और बारिश जो है अभी धीमी धीमी हो रही है। आपको देखकर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ये वही चंद्रपुर है जहाँ पर मेले के अवसर में भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रहासिनी माता का बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखने योग्य मंदिर बना हुआ है, जिससे लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने की आशा रखते हैं। और यहाँ का नज़ारा अभी बहुत ही ज़्यादा पानी से लबालब भरा हुआ आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं, ये है नाथला दाई मंदिर का नज़ारा, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे भी हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही है, और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। आजू बाजू यहाँ पर दो शेर बने हुए हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी भर गया है कि मंदिर का जो गर्भगृह है वो भी पानी से पूरा लगभग भर चुका है। महानदी और मड़वा नदी से घिरा है पूरा चंदनपुर, इसी वजह से अभी यहाँ पे पूरी बाढ़ की स्थिति बन गई है। देख सकते हैं ये जांजगीर और चांपा जिला के अंतर्गत रायगढ़ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से सारंगगढ़ जो है वो भी काफ़ी पास में ही है।